अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास नर्दवान का दूसरा एडिशन है जो क्लास 7 के लिए है, जिसका आज हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे। इसका सबसे पहला टॉपिक है रोज़मर्रा, जो नर्दवान के सफ़र नंबर 1 और 2 पर मौजूद है। जी, आज नर्दवान के सफ़ा नंबर 1 पर हमारे पास रोज़मर्रा मौजूद है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम अपने घर में या स्कूल में या अपने दोस्तों के साथ जब भी कोई रोज़मर्रा की गुफ्तगू करते हैं, तो उसमें हमारे पास ऐसे अल्फाज, ऐसे जुमले, चंद एक ऐसे जुमले हमारी ज़बान से अदा हो जाते हैं जो कि गलत होते हैं, जो उर्दू अदब के हवाले से जिनको नाकिस समझा जाता है, और कुछ इस तरह के अल्फाज लफ्ज़ भी हमारी ज़बान से गलत अदा होते हैं जो उर्दू में गलत समझा जाता है। आज हम रोज़मर्रा के बारे में पढ़ेंगे। रोज़मर्रा क्या है? रोज़मर्रा अहले ज़बान की बोल चाल को कहते हैं। अहले ज़बान की बोल चाल, हम जो बोलते हैं, हम रोज़ाना ज़िंदगी में जो जुमले अदा करते हैं या जो बात करते हैं, उनके दरमियान सही और ग़लत के तवाज़ुन को बराबर रखना रोज़मर्रा कहलाता है। इसका हर लफ्ज़ अपने लगवी यानी हकीकी मानों में इस्तेमाल होता है, कि ऐसा लफ्ज़ जो उस पूरा एक अपना मीनिंग अपने अंदर मौजूद रखता है, हकीकी मानों में इस्तेमाल होता है कि अपना पूरा मतलब अपने लफ्ज़ों में मौजूद रखता है। मौलाना हाली रोज़मर्रा की मिसाल यूँ देते हैं, अगर ये यहाँ पे उन्होंने, मौलाना हाली ने एक मिसाल दी है जो कि गलत जुमलों के साथ है, और उसके बाद उन्होंने आगे उस मिसाल को सही जुमलों के साथ भी अदा किया है। अगर ये कहा जाए कि कलकत्ता से पिशावर तक 7-8 कोस पर एक पुख्ता सराय और एक कोस पर मीनार बना हुआ था, मतलब इसमें उन्होंने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। इसका दुरुस्त अल्फाज आप इसके नीचे वाली लाइन पे देख सकते हैं कि कलकत्ता से पिशावर तक 7-7-8-8 कोस, कि जहाँ 7-8 कोस, जहाँ कोस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और आपको फ़ासले का तायन करना होता है, वहाँ लफ्ज़ों को तकरार अल्फाज के साथ के बार बार दोहराने के बारे में बताया जाता है, या जहाँ कहीं भी फ़ासले का तायन किया जाता है, वहाँ लफ्ज़ों को दोहराया जाता है। 7-7-8-8 कोस पर एक पुख्ता सराय और एक और कोस कोस भर पर एक मीनार बना हुआ है। इसमें आपने देखा कि ऊपर वाले जुमले में अल्फाज का गलत इस्तेमाल किया गया, जबकि नीचे वाले जुमले में उसी मिसाल को दुरुस्त करते हुए आपको समझाने के लिए उस मिसाल को सही अल्फाज का तायन किया गया है। इसके बाद नीचे आ जाएं। रोज़मर्रा के अक्सर हम किन जगहों पर रोज़मर्रा के चीज़ों का ख्याल रखते हैं? अब देखें, यहाँ आपको समझाने के लिए नोट भी दिया गया है कि जब कोई तरकीब अहले ज़बान की बोलचाल के मुवाफिक हो, मतलब कि अगर हम बाज़ ऐसे जुमले बोलते हैं जो सही मायनों के बजाय मजाजी मायनों में इस्तेमाल होता है, मतलब जिनको हम मुहावरे कहते हैं, जी हकीकी मायनों के बजाय मजाजी मायनों में इस्तेमाल हो। अपने मुहावरात को तो सुना ही होगा, जिस तरह से है मुहावरा 3-5 करना, 3-5 करना का मतलब होता है कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना वगैरह, तो ऐसे अल्फाज जो अपना एक अलग सा मीनिंग दें, मजाजी मायनों में मीनिंग दें, मतलब उन मुहावरों को समझते हुए उनका मतलब समझ में ना आ रहा हो, वो मुहावरा होता है। जबकि रोज़मर्रा वो अल्फाज होते हैं जो एक लफ्ज़ अपना पूरा माकूल मतलब समझा रहा हो। अब यहाँ पे देखें कि रोज़मर्रा की पाबंदी जहाँ तक मुमकिन हो तकरीर और तहरीर और नज़म और नसर में ज़रूरी समझी गई है। तकरीर और तहरीर मतलब जो हम लिखते हैं या पढ़ते हैं, या जो भी हम कहानियाँ पढ़ते हैं या नावल्स पढ़ते हैं, उनको तकरीर और तहरीर कहा जाता है। और नज़म और नसर का मतलब होता है नज़म में और गज़ल में ज़रूरी समझी गई है। कलाम में जिस कदर रोज़मर्रा की पाबंदी कम होगी, इसी कदर वो कलाम सेहत और फसाहत के दर्जे से गिरा हुआ होगा, कि अगर नज़म में रोज़मर्रा का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं होगा, माकूल तरीके से नहीं। रोज़मर्रा का मतलब ये नहीं है कि हम वो अल्फाज इस्तेमाल करें जैसे से, ने, को वगैरह, वो हमारे अल्फाज कंजक्शंस वर्ड होते हैं, वो हर्फ होते हैं जो दो जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। रोज़मर्रा ऐसे अल्फाज होते हैं जो एक लफ्ज़ अपना पूरा मुकम्मल मतलब दे रहा होता है। अब यहाँ पर देखें, आपको समझाने के लिए अलिफ़ खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए।
अब यहाँ पे देखिए आपको खाली जगह दी गई है, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। नंबर वन है कुछ डैश पहले की बात है, कुछ डैश पहले की बात है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है अरसे और अरसा। अरसे देखें हम उसको आम और ग़लत ज़बान में अरसे लफ्ज़ बोलते हैं। फ़र्ज़ करें मैं कह रही हूँ मैं इतने अरसे से स्कूल में जॉब कर रही हूँ। अरसे एक ग़लत लफ्ज़ है, मकूल लफ्ज़ नहीं है, जबकि अरसा कुछ अरसा पहले की बात है कि कुछ अरसा पहले एक उर्दू एक मुकम्मल उर्दू का लफ्ज़ है अरसा, जबकि अरसे एक गैर मुकम्मल लफ्ज़ है। यहाँ पे हम सबसे पहली वाली ब्लैंक में लिखेंगे अरसा। उसके बाद दूसरे पे देखें हमारे पास है इसके डैश ने मुझे इनाम दिया, इसके डैश ने मुझे इनाम दिया, दादा या दादे। हम जो अपनी गलत उर्दू बोलते हैं हम उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं दादे, जबकि एक बेहतर उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है दादा। उसके दादा ने मुझे इनाम दिया, इसमें दूसरे में क्या है दादा, जबकि दादे हम कहते हैं कि फ़लाँ का दादा ये, फ़लाँ का दादे ने ये किया, मतलब हम उसको गलत उर्दू में इस्तेमाल करते हैं वो लफ्ज़ हो जाता है दादे, जबकि एक मुकम्मल और वाज़ेह लफ्ज़ है दादा। उसके दादा ने मुझे इनाम दिया। सेकंड ऑप्शन में हमारे पास आएगा दादा। उसके बाद तीसरे पर है मेरे डैश ने मुझे बहुत सी नसीहतें की, नाना या नाने। नाने हम कहते हैं गलत उर्दू में, जबकि हम मकूल उर्दू में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं नाना। मेरे नाना ने मुझे बहुत सी नसीहतें की। उम्मीद है आपको रोज़मर्रा की समझ में आ गया होगा। इस तरह आपने इस लेक्चर को देखते हुए नट बांध का सफ़ा नंबर 1 पर मौजूद रोज़मर्रा को हल करना है कि दी गई मश्क को हल करना है। उसके बाद आपके पास नजमान के सफ़ा नंबर 2 पर भी ये मौजूद हैं और उसके सामने आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं। आपने इन ऑप्शंस को देखते हुए मकूल रोज़मर्रा को इस्तेमाल करते हुए आपने ये खाली जगहों को हल करना है। उसके बाद आपके पास है मुदर्जा ज़ैल जुमलों को दुरुस्त करके दोबारा लिखिए, मुदर्जा ज़ैल जुमलों को दुरुस्त करके दोबारा लिखिए। आपके पास गलत जुमले हैं, गलत जुमलों में देखें आप तशरीफ़ लाओ, आप तशरीफ़ लाओ गलत है। हम किसी भी बड़े को लाओ नहीं कहते हैं, हम किसी भी बड़े को इतने खुले अल्फाज में या वाज़े अल्फाज में नहीं कहते कि आप तशरीफ़ लाओ। हमारा मकूल जुमला ये होगा कि आप तशरीफ़ लाएं। इसके बाद नंबर 2 पर है आपकी मिजाज कैसी है, ये गलत जुमला है। इसका सही जुमला होगा आपका मिजाज कैसा है। यहाँ पर देखें मैं इन जुमलों को सही भी करके लिख रही हूँ। जी देखें मैंने सही करके लिखा है आप तशरीफ़ लाएं और दूसरे आपका मिजाज कैसा है। ये वाले गलत जुमले हैं, आप तशरीफ़ लाओ, आपकी मिजाज कैसी है ये गलत है, ये है आप तशरीफ़ लाएं आपका मिजाज कैसा है, ये सही जुमले हैं। और उम्मीद है कि आप इन जुमलों को और पीछे सफ़ा नंबर 1 और 2 पर दी गई मौजूद रोज़मर्रा की खाली जगहों को हल करने की कोशिश करेंगे और इनको हल करने के बाद आप स्कूल में किताब को चेक करवाने के लिए जमा करवाएंगी।